हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे और एक चम्मच हम घी डाल देंगे और घी को गरम कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने आधा कप बासमती चावल लिए हैं और अच्छे से धो लिया है हमने चावल को। चावल को हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ बारीक वाला चावल भी यूज़ कर सकते हो। अब हमें चावल को निकाल लेना है और मिक्सी में पीस लेना है। तो हमने सेम कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया है। तो हम चावल को दरदरा पीस लेंगे और दूध को हमें उबाल लेना है। गैस की फ्लेम हमें लो कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गरम दूध निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़े से केसर डाल देंगे। हमने चावल को मिक्सी में पीस लिया था, तो अब हमें ऐड कर देना है और हमें चलाते हुए चावल को पका लेना है लो फ्लेम पे। 1 लीटर दूध 3/4 ना हो जाए तब तक हमें चावल को पका लेना है और लो फ्लेम पे हमें पका लेना है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में हमें चलाते रहना है। तो खीर हमारी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। तो अब हम देख लेंगे कि चावल हमारे पके कि नहीं। तो पक गए हैं फ्रेंड्स चावल। अब हम इसमें आधा कप चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो फ्रेंड्स, कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देना है और देखिए खीर हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।